अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मद हसन और आज हम ले आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक सो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नई गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर नौरन एंड शी इज़ द दर्थोपीडिक फिजियोथेरेपिस्ट जिनसे आज हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि क्या और नए मसाइल हड्डियों के पाए जाते हैं और किस तरह से उन चीज़ों पर वर्क किया जाता है फिजियोथेरेपी कहाँ कहाँ काम आती है प्रिसाइजली सो लेट्स इन विद द कॉन्वर्सेशन असलम डॉक्टर नौरिन हाव आर यू आई एम फाइन सो सबसे पहले डॉक्टर नौन थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये कि फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारे मिसकनसैप्शन होते हैं सो so, उनमें से मेन या बेसिक मिसकनसैप्शन क्या हैं हमारी जो तो पाकिस्तान सोसाइटी में सबसे बड़ी जो तो मिसकनसैप्शन वो यही है कि फिजियोथेरेपी जैसे एक मसाज है ठीक है अक्सर लोग जो है इसको माल्टी के नाम से भी करते हैं क्योंकि उनकी अवेयरनेस ही नहीं है फिजियोथेरेपी क्या है बहुत से लोग नहीं जानते कि फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर जो है वो पाँच साल की डिग्री है उसके बाद इसमें स्पेशलाइजेशन भी होती है इसमें फर्दर जो है आप पी लेवल तक जो है इसकी एजुकेशन होती है लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसको सीरियस नहीं लेती क्योंकि उनमें अवेयरनेस ही नहीं है नॉर्मली उनका अगर नेक पेन होती है या उनकी कोई भी बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो सबसे पहले जो है वो बाकी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे अच्छा जब वो बिल्कुल उनकी बोन्स खत्म होने को तैयार होती हैं तब जो एंड पे आके जो है डॉक्टर उनको बताएंगे अच्छा जी आप फिजियोथेरेपी को चेक करवा लें ठीक है उसमें हम जितना भी हमसे हो तो हम उनको मैनेज कर तो देते हैं लेकिन अगर उनको अवेयरनेस पहले होती उनको पता होता कि अच्छा हमारा ये इशू आ रहा है नेक का या हमारी कमर का तो हम जो है फीस सर्विस को चेक करवा लें अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में इसके हवाले से तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि फिजियोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स और डिवाइस यूज होते हैं तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द टेक्निकल गैजेट्स बींग इन पाकिस्तान पाकिस्तान में जो बेसिक मोडलिटीज़ यूज़ हो रही हैं ठीक है थीके? वो पेन मैनेजमेंट के हवाले से ज़्यादा हो रही हैं ठीक है आ, जिसमें हमारे पास टेंथ मशीन आ जाती है जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है आपके मसल्स को स्टिमुलेट करती है इसके अलावा जो है और भी शॉर्ट वेव डाथर्मी आ जाती है जो आपकी इन्फ्लॉमेशन को कम करती है और आपके जो है ओवरऑल जो अथराइट के इशू आते हैं ख़ासतौर पर बूढ़ों में उसको कम करती है इसके अलावा ये चार पाँच मशीनरी होती है लेकिन बेसिक अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड ठीक है तो जो सबसे ज़्यादा रुझान है मैनुअल थेरेपी का है मैनुअल थेरेपी मेन कि जो आप

तो उसमें ऐसी कौन सी थेरेपी है प्लस ऐसे कौन से ऑयल्स हैं या मसाज हैं या मेडिसिन है या डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं जो आप यूज करके उस चीज़ को ओवरकम कर न्यूट्रिश है सबसे पहले आपने स्ट्रेस के हवाले से सवाल किया जब हमें स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है सबसे पहले हमारे मसल्स पे इफेक्ट आता है है ये बात बिल्कुल ठीक कि आपके स्पेशली जो नेक के मसल्स हैं वो स्पेज में चले जाते हैं बहुत से लोग होते हुए कहते हैं कि हमारे पट्टे खिंच गए हैं ठीक है थीके? तो उसमें ये होता है कि जब आप एक स्ट्रेस में जाते हैं तो आपके जब पटों में स्पेजम होता है उसके साथ साथ आपके बॉडी पे पूरी बॉडी पे असर होता है क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स नहीं होता जब आप मेंटली नहीं हो तो आपके जो मसल्स हैं वो टेंशन में चले जाएंगे इसके साथ आपको भी होगी माइग्रेन भी होगी इसके अलावा और नॉर्मली लोगों को बैक पेन नहीं होती कोई ऐसे उस तरह का अंदर प्रॉब्लम नहीं होता आपकी बॉडी या बोन में लेकिन जब आपका एक फेज गुजरा होता है स्ट्रेस का डिप्रेशन का टेंशन का तो आपको टेम्परेली है वो पेन फील होती है ओवरऑल बॉडी एक होती है तो इसमें जो बेस्ट है वो ये आपको अपने मसल्स को स्ट्रोंग करें आपने मसल्स को कैसे स्ट्रोंग करना है आप प्रॉपर जो है एक दफा किसी डॉक्टर के पास चले जाएं ठीक है उनको बताएं कि इस तरह के आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आपको एक होम प्लान गाइड करेगा होम प्लान में तीन चार एक्सरसाइज होती हैं मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए इसके अलावा जब आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अब ये इशू चल रहा है तो आपको ये इशूज होने हैं बहुत से लोगों को पता लग जाता होता है कि अच्छा भी मैं मुझे ये टेंशन और मेरी टेंशन की वजह से स्ट्रेस की वजह से मेरी हडिक हो रही है या मेरे पट्टे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं या मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें क्योंकि वो ऐसी एक्सरसाइज होती है उसमें स्पेशली आपको कहीं जिम नहीं जाना पड़ता वो आप बैठे बैठे लिटी लेट -लिट भी कर सकते हैं तो इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें तो आपको चाहिए कि आपका जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी ठीक है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक ज्यादा होगा होगा या पूरा ठीक है तो उसमें फिर आपको इस तरह के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते क्योंकि आप एक ऑलरेडी डेफिशिएंसी से गुजर रहे होते हैं जब आपके ऊपर एक स्ट्रेस आता है तो मसल जो है वो मजीद जो है वो आपको वीकनेस की तरफ लेके जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जब आपने बैक एक के बारे में बात की तो बाकी एक तो इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो यंगस्टर्स में भी गेमिंग के दौरान बैठे हुए पॉस्चर ठीक नहीं है तो स्टार्ट हो जाती है या जो बड़े हैं उनमें भी ये चीज़ होती है सो व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स एंड पॉस्चर्स जो आपको यूटिलाइज करने चाहिए फॉर टू अवॉइड अब बैक पेन एक ऐसा इशू है कि पहले तो हम ये कहते थे कि ओल्ड एज में होता है क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई है डेफिशंसीज आ जाती हैं, आपकी बॉडी के सिस्टम जो है वो जरा स्लो हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो वह है वो होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो आज कल है वो बैक पेन जो है वो सभी को इफेक्ट कर रही है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ठीक है उसकी मल्टीपल रीजन है जिस तरह अगर हम यंगस्टर्स या अडल्ट की बात कर लें जिनकी अभी थर्टी से भी कम है ठीक है वो भी बैक पेन का शिकार है सबसे मेन जो रीज़न आती है ख़ासतौर पे जवानों में उसमें उनका पोस्चर होता है ठीक है पोस्चर अगर वो सही तरीके से नहीं बैठेंगे या अपना करेक्ट पोस्चर नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उनके मसल्स जो हैं वो स्पेज में जाना शुरू हो जाएंगे आपकी जो एक प्रॉपर अंदर एक अलाइनमेंट होती है स्पाइन की वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी अगर आप टेढ़ होकर बैठेंगे या आप स्लाउज पोस्टर में बैठेंगे इसके अलावा आपका जो है वो प्रोफेशन बड़ा मैटर करता है ठीक है अगर आप बैंकर हैं या आप सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं या आपका कोई ऐसा काम है कि चौबीस घंटे अब लैपटॉप के आगे बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बैक भी इफेक्ट होगी आपकी जो है वो नेक भी इफेक्ट होगी तो इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये काम है तो मैंने अपनी बॉडी मैकेनिक्स को किस तरह उसके अकॉर्डिंग सेट करना है मिसाल के तौर तो पर अगर कोई आ, किसी का काम है ऑनलाइन काम है कंप्यूटर पर काम करता है अब उसको पता है मैं ये काम नहीं छोड़ सकता लेकिन काम तो, तो आपको तो एक पहले जो जो बैठने का तरीका कार है उसको जिस जगह पर बैठते हैं आपकी चेयर वो कम्फर्टेबल होनी चाहिए वो आपको ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप बैठते जो आपको पेन फील होना शुरू हो जाए और पीछे हमेशा आप एक स्पोर्ट रखें ठीक है आपकी जो बॉडी की अलाइनमेंट है वो एक क्वरेक्शन में रहे दूसरी चीज ये कि जिस तरह आप नेक आप फ़ोन यूज़ करते हैं सारा दिन हमारा सॉफ्ट पोस्टर होता है लोगों को नहीं पता लगता है। लेकिन वक्त के साथ जो हमारे मसल होते हैं वो एक्सपेज में चले जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर यंगस्टर्स में खासतौर पे आपकी सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग हो जाती है उसमें आपके नॉर्मल काल्व होते हैं जो खत्म हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होता तो उसमें ये है कि आप अगर लैपटॉप सामने रखें आपने तो आपकी उसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से करें एक टेबल है ठीक है उसके नीचे आपको ये ऐसा स्टूल रख दें या कोई भी ऐसा चीज रख दें जिसकी आपकी और लैपटॉप की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल इक्वल हो जाए इसके अलावा आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजस ताकि आपका जो है वो मसल स्ट्रांग रहे और इन इशू से आप बच सके अच्छा इसी से कोर क्वेश्चन है कि आजकल ऑर्थोपेडिक कुशंस यूज किए जाते हैं हाउ मच दे आर यूजफुल या दे आर जस्ट मेकिंग मनी दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन वो यूजफुल हैं लेकिन आप उनका अगर सही इस्तेमाल करें ठीक है okay. उसमें ये होता है कि बहुत से लोग गाड़ियों में भी यूज करते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा ट्रेवलिंग होती है उनको पता होता है कि अच्छा हमने इतने घंटे सफ़र करना है अगर वो नहीं रखेंगे तो उनकी पेन शुरू हो जाती है वो यूज़फुल इस तरीके से है कि आपकी चेयर तो है वही नॉर्मल होती है पाकिस्तान में कुछ खास स्पेसिफिकली चेयर्स बनती नहीं है हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या जो हमारी अर्गोनॉमिक्स होते हैं या हमारे बॉडी मैकेनिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो फिर आप ऑर्थोपेडिक पिलोज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो मेडिकेटेड होते हैं इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे ही आप उनकी सपोर्ट लें या टेक लें तो आपको एक कम्फर्ट या रिलीफ फील हो इसी तरह इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो नेक के लिए भी बने हुए हैं आपकी बैक के लिए बने हुए हैं अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें यूजफुल होते ओके okay. तो उसमें कोई सर्टेन किस्म का या आ, जो कि यूज किया जा सकता है इफ यू वांट टू रेफर समथिंग अगर आप बैंक बैंक में काम करते हैं और आपको पता है कि आपको कोई खास उस तरह की पेन हो नहीं रही लेकिन आप सम टाइम फील करते हैं कि मेरे बैठने की वजह से कि जो है वो मेरा थोड़ा सा ना पेन निकलना शुरू हो गया ठीक है तो आप जो है कोई भी ऑर्थोपेडिक आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप वो आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये भी एक होता है क्योंकि सम टाइम जो है वो आपका इशू उस तरह का नहीं होता आप खुद जाके खरीद लेते हैं वो आपको ज्यादा जो है वो इशू कॉज करता है मिसाल के तौर तो पर बहुत से पेशेंट होते हैं खुद जाके मैटर्स खरीद लेते हैं हार्ड मैटर्स ठीक है तो अगर किसी का ऑलरेडी बॉडी इतनी फुटीक में है स्टिफनेस में है, वो बहुत ज्यादा हार्ड मैटर्स पे लेटेगा ठीक है तो उसके जो प्रॉब्लम है बॉडी पेन्स है वो बढ़ जाएंगे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें वो आपको बताएगा कि आपको किस रेंज में चाहिए आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है सो इससे अगला मेरा जो आपसे सवाल है दैट इज के बहुत ज़्यादा ये टैबू है जैसे कि बिल्कुल आपने अर्ली जब हमने बात स्टार्ट की तो उसमें मेंशन किया कि डॉक्टर्स और एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिग्री है उसमें कहीं ना कहीं जाके कंपैरिज़न आ जाता है ठीक है मोस्टली जो पेरेंट्स हैं दे डू नॉट लेट देयर किड्स गो इन टू दिस फील्ड बिकॉज दे फील्ड के एक्सेल नहीं कर सकते या ये वो उसका वो मैार नहीं है तो इसके ऊपर वॉट इज योर टेक Uh, अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में ठीक है तो पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है नहीं बेसिक चीज़ ही है और दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं इवन कि एम से कोई भी डॉक्टर है ठीक है तो जब आप देखते हो ना जॉब्स के हवाले से बाकी कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें जॉब ज्यादा मिल जाती है लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जॉब नहीं मिलती तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इसलिए जो पेरेंट्स हैं फिर इस चीज़ को जो है वो थोड़ा रजिस्ट करते हैं अपने बच्चों को कि अच्छा ये आप डिग्री ना करें इसका कोई फायदा नहीं है और दूसरी ये चीज़ भी होती है कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जर्शन वाला काम होता है उनको पता होता है कि हमारा जो है वो आगे बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता वैसे अगर देखा जाए नॉलेज uh, के हवाले से या इसको पेशेंट के हवाले से कि आप ये किस हद तक फ़ायदा मंद है और ये किस तरह मतलब पेशेंट इससे ठीक होते हैं तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन डिग्री क्या अगर आप किसी को विदाउट मेडिसिन ठीक कर रहे हो और आपकी बैक का इशू है या आपकी माइग्रेन है एवन की माइग्रेन भी आपकी एडिक जो है वो नेक की वजह से होती है ठीक है बहुत नाइन्टी तो आप उसको विदाउट मेडिसिन ठीक करो तो इससे बेहतरीन वो डिग्री हुई नहीं है ओके okay. सो so, इससे अगला सवाल ये है कि जो सारे बोन्स के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी इज नीडेड आपके मसल्स गेट पोल्ड तो कोई ऐसे मल्टी वाइटमिन विच पीपल या फीमेल्स शुड टेक एंड मेल्स शुड टेक मल्टी वाइटमिनस के हवाले से वही डिपेंड करता है कि आपके अंदर डेफिशेंसी क्या है आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं ठीक है अब बहुत से ऐसे बच्चे अगर छोटे बच्चों के हम कैटेगराइज कर लेंगे छोटे बच्चे हैं या डर्ट्स हैं या बूढ़े हैं नॉर्मली तो यही ट्रेंड है कि जैसे आप 40 प्लस हो जाए तो मल्टीवाइटेंट लेने शुरू कर देने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं सारे स्लो डाउन हो जाते हैं लेकिन आजकल का जो हमारे खाने पीने या लाइफ स्टाइल है उनके जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ग्रोइंग एज होती है तीन से लेकर बारह साल तक वो भी अपनी पेन की शिकायत कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बोन्स बड़ी रैपिडली ग्रो कर रही होती हैं तो उनको एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उनको पूरी होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही होती तो जिसके नतीजे में अक्सर जो है बच्चे कम, कंप्लेन करते हैं तीन साल का बच्चा कंप्लेन कर रहा होता है खासतौर पर जब रात को सोता है या सोने के दौरान उठ भी जाता है कि अच्छा मेरे जो है वो आ, काफ मसल में पेन हो रही है या मेरे पाँव में दर्द हो रहा है या मेरे टांगों में दर्द हो रहा है ठीक है तो आपकी बेसिक जो डाइट है वही मेन चीज़ है ठीक है आप मल्टीवाइटमेंस लें लेकिन जब आपकी डेफिशिएंसी कोई बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन आजकल जो डाइट्स हैं ठीक है तो आ, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि वाइटामिन डी और कैल्शियम ये बहुत जरूरी है हमारी बोन्स के लिए और ऑर्थोपेडिक इश्यूज से अवॉइड करने के लिए तो आप मल्टीवाइटमिन कैल्शियम और वाइटमिन डी बेस्ट है लेकिन और, आप कोशिश करें कि आप नेचुरल वेज मिलें इसको तो। ओके और फूड की कंजम्पशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कंज्यूम करें तो यू फील लाइक कि हमें फिर मल्टी की जरूरत नहीं है वो वाला फैक्टर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं दूध ठीक है अगर हम दूध का इस्तेमाल रेगुलर करें ठीक है एक गिलास तो उसमें कैल्शियम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है वाइटमिन डी है अब आप जो है वो धूप में बहुत ज़्यादा होता है आप सुबह जब आ, उठते हैं आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं ठीक है तो अपना जो है आप एक्सपोजर होना चाहिए आपका सनलाइट में भी ताकि आपका जो वाइटमिन डी है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाए इसके अलावा आप जो दूध का इस्तेमाल करें फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें आपका आजकल जिस तरह मैंगोज आ, आ रहे हैं ठीक है एप्पल आ रहा है उसमें आयरन होता है ओवरऑल सारी चीज़ें मिलकर जो है आपकी बॉडी की डिफिशेंस को पूरा करते हैं

मैनेज कर सकते हो कुछ ऐसी होती हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऑटो ऑटोमीन सिस्टम होता है कि आपकी अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो आपके सेल्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका फिर लाइफ टाइम रहता है एथाइटस तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बच्चों में भी होते हैं ठीक है लेकिन जैसे वो एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं वो खत्म हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर ओल्ड एज की बात करें तो कुछ एथाइट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आ रे रिमाथाइज एथराइट होता है या ओस्ट्राइटिस होता है इनको जो है वो आप क्योर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है अगर बच्चों की बात करें तो इसमें बच्चों में मोस्ट कॉमन है ठीक है थीके? जो सोलह साल से जितने भी मतलब नीचे बच्चे हैं कुछ बच्चों में ठीक है ये अगर आप उसको बॉडी पेंस हो रही है उसको साफ फीवर हो रहा है उसको रैश हो रहा है कि उसको मीनो जुबल है तो लेकिन वो जैसे ही कोई अठारह उन्नीस बीस साल की उम्र में पहुंचे वो खुद ही सबसाइड हो जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स में अडल्ट में खास पर आर आई कॉमन है उसमें भी यही आपके सिम्टम्स होते हैं कि आपकी स्वेलिंग होती है ज्वाइंट्स की ठीक है और आपके स्माल आ रहे खासतौर पर तो उसमें स्मॉल जॉइस इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल जॉइंट्स मीन के आपके हाथों और पाओ के जो जॉइंट छोटे वाले जॉइंट्स हैं ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लेकिन अगर आपको एक दफ़ा आ रहे हो गए तो उसने आपके साथ लाइफ टाइम चलना है इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो प्रॉपर मेडिकेशन है ठीक है आप रेमाटोलॉजिस्ट को दिखाएं वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा जिसमें डिफरेंट किस्म के स्टीराइड और एनस पेन मैनेजमेंट के हवाले से और इस तरह की चीज़ें होंगी अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो वो आपकी लाजमी होगी क्योंकि उस उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते आपकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी इसमें आप एक किसी भी क्रिए फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके एक प्लान लें जिसमें वो आपको प्रॉपर गाइड करें कि आपका ये इशू है वो प्लान भी उसके साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बनता है सबका प्लान सेम नहीं होता कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उनका प्लान थोड़ा डिफरेंट होता है कुछ ऐसे होते हैं जो लीन बॉडी में होता है ठीक है मतलब जो थोड़े वीक होते हैं उनका प्लान डिफरेंट होता है उसमें भी भी आपकी बेसिक वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जो है वो बैठना कैसे है आपका जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपने किस तरीके से करनी है दिन में दो दफ़ा करनी है तीन दफ़ा करनी है मसल्स को किस तरीके से स्ट्रॉग करना है अगर हम बूढ़ों की बात करें या हम जैसे हम फोर्टी प्लस होते हैं तो एथराइटिस नॉर्मली सब में स्टार्ट हो जाता है ठीक है ये एक नेचुरल मेकानिज़म है क्योंकि आपकी बोन्स जो हैं, वो डिकलाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ओस्ट जो एथराइटिस है ओस जो प्रोसेस है, है जिसमें खासतौर तो पर फीमेल जब उनका म्यूनोपॉज होता है जब उनका मेस्ट्रल साइकल एक होता है वो आ, करीब होता है ख़त्म होने के या ख़त्म हो जाता है तो हमारा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन उसकी वजह से ठीक है आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन होना शुरू हो जाती है तो आप अथाइटिस की तरफ जाना शुरू हो जाते हो और ये जो खासतौर तो पर उस जो प्रोसेस है इसको साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि जब आप इसमें कुछ सिम्टम ऐसे उस तरह का शो नहीं होता वो तो तब मरीज को पता लगता है जब हल्का सा कहीं गिरा तो फॉरन फ्रैक्चर हो गया अक्सर सुनने को

सभी को इफेक्ट करता है आफ्टर जिसमें पे आपके नीज बहुत इन्वॉल्व होते हैं आपके के, के स्पेस, मैं आपकी जेनेटिक्स भी मैटर करती है और दूसरा आपका पोस्टर तीसरी आपकी डाइट मैटर करती है ठीक है तो अगर आप ओबेसिटी में हो तो आपका मतलब वेट आ रहा है ठीक है जब आपका वेट आएगा नीज पे ठीक है तो आपकी और स्पेस ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा आपकी स्पेस कम होगी आपकी इन्फ्लामेशन होगी स्वेलिंग होगी आपको पेन के जो सिम्टम शुरू हो जाएंगे जब एक्सरे करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अच्छा आपका गैप आ गया आपकी जो तो नॉर्मल स्पेस है वो वो कम हो गई है तो उसमें फिर यही है कि आप मैनेजमेंट करें फिजियोथेरेपी भी और मेडिकेशन भी लें जिसमें बेसिक जो भी आपको मल्टीवाइटमिन चाहिए या पेन किलर्स चाहिए और फिजियोथेरेपी में आपके यही है कि डिपेंड करता है कि आपका जो डैमेज डेमेज किस लेवल का ठीक है बहुत से लोगों का तो इस कदर का इस कदर डैमेज होता है कि आप फिजियोथेरेपी से भी रिकवर नहीं कर सकते फिर उसमें आपका एडमिन जो ऑप्शन होता है वो सर्जरी होता है। लेकिन नाइन्टी परसेंट जो है वो है वो कवर किया जा सकता है क्या फिजियोथेरेपी जो है एक्सरसाइजेज या कुछ डेट प्लेटल वाइटल रोल इन दैट इज वेल क्योंकि इस फिजियोथेरेपी आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं ना ठीक है तो आपकी सासा कैलरीज बर्न हो रही होती है अगर आप नॉर्मली फिटनेस के लिए आप किसी प्रॉब्लम के लिए कर ले लेट सपोज आपकी बैक का इशू है ठीक है आपकी नेक का इशू है आप डॉक्टर ने आपको एक प्लान दिया कि आपने जो है इसको तीन माँ फॉलो करना है अगर आप तीन माह से जो है वो एक प्लान फॉलो कर रहे हो आ, जस्ट बैक पेन के लिए लेकिन आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है आप जो है एस कर रहे हो अपनी काफ मसल को स्ट्रेच कर रहे हो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो साथ साथ आपके बेली मसल्स भी जो हैं वो भी आ, स्ट्रेचिंग में जा रहे हैं तो ऐट डी एंड वे तो आपका काम हो जाता है लेकिन आ, वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती जा है आपकी फिटनेस में उसमें फिर जिम का इस्तेमाल होता है लेकिन जो फिजियोथेरेपी वैसे हम पेशेंट को एक गाइड करते हैं या डॉक्टर खुद करवाता है ऐसे उसमें उस तरह वेट की कमी नहीं आती उसमें एक डिफरेंट प्रॉपर होता है

नाश्ता भी स्किप कर देते हैं और हम काम पे निकल जाते हैं और वहाँ पे हम क्या खाते हैं बर्गर्स खा लेते हैं या पिज़्ज़ा खा लेते हैं हमें लगता है कि ठीक है हमने जो है वो लंच कर लिया है या डिनर कर लिया है उसके अंदर उस तरह पूरी न्यूट्रिशन नूट, भी नहीं होती और उसके अंदर शुगर्स और सॉल्ट इस तरह के होते हैं जो आपको इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और आपके गट इश्यूज आते हैं और इससे भी आपकी बॉडी पेन स्टार्ट होती है दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट आपका पोस्चर है अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं डेफिशिएंसी पूरी लेकिन आप सीधे तरीके से बैठ ही नहीं रहे आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी मैकेनिक्स जो है वो गलत हो रही है तो भी आप बैक पेन का या नेक पेन का शिकार होंगे ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर नॉरिन फॉर बीइंग हियर और हमें इतनी इंसाइटफुल बातें करने के लिए आई होप कि इस सबसे लोगों ने ज़रूर सीखा हो सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना पॉस्चर स्ट्रेट रखें जंक फूड से गुरेज करें और जब लगे कि चीज़ या पेन एक हद से ज़्यादा बढ़ी है तो डू विजिट द डॉक्टर रादर देन बिकमिंग योर सेल्फ अ डॉक्टर सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा